दोस्तों, आप सभी के लिए एक मुसलमान लड़की के हवाले से बड़ा ही अजीब व गरीब वाकिया लेकर आया हूँ कि एक मुसलमान लड़की तालाब में नहा रही थी। ऐसे वक्त में एक डाकू की नज़र जब उस मुसलमान लड़की के ऊपर पड़ी तो ऐसे वक्त में कौन सा अजीब व गरीब वाकिया देखने को मिला, जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वाकिया को सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बताया जाता है कि किसी गांव के अंदर एक लड़की तालाब में नहा रही थी जो कि मुसलमान थी। वह लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसी गांव के करीब एक डाकू रहा करता था जो गरीब लोगों का माल लूटा करता था, और गांव के अंदर अगर कोई खूबसूरत लड़की नज़र आती तो उस लड़की को उठा लिया करता था। अक्सर गांव के जो लोग होते वो अपनी बेटियों को घर के अंदर छुपा कर रखा करते थे, लेकिन ये जो लड़की थी ये किसी से नहीं डरा करती थी, यानी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के ऊपर मुकम्मल यकीन था। और यह लड़की यह बात कहती थी कि मेरी हिफाजत करने वाला सिर्फ अल्लाह है, मुझे घर के अंदर छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह बड़ी शान वाला है, सबसे बड़ा अल्लाह ही है, वही मेरी मदद करेगा। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि एक जो वो लड़की थी वो तालाब में नहाने के लिए गई। ऐसे वक्त में जब डाकू का गुजर हुआ वो उसी तालाब से हुआ। ऐसे वक्त में जब डाकू की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो तो उस लड़की का दीवाना हो गया। उस लड़की को आज तक डाकू ने नहीं देखा था। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के बाद डाकू के दिल के अंदर मोहब्बत जाग उठी। अब डाकू किसी भी हालत में लड़की को पाना चाहता था। आपको बता दूं कि डाकू ने अपने साथियों से ये बात कही कि फौरन ही एक खत लिखो और खत लिखने के बाद उस लड़की के बाप के पास भेज दो। दोस्तों, आपको बता दूं कि वह खत लेकर डाकू के जो साथी थे वह फौरन ही उस लड़की के घर पहुंचे और वहां जाकर लड़की के बाप को वो खत दिया। दोस्तों, आपको बता दूं कि लड़की के बाप ने जैसे ही वो खत पढ़ा ऐसे वक्त में उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यानी आपको बता दूं कि खत के अंदर ये बात लिखी हुई थी कि मुझे तुम्हारी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मैं तुम्हारी बेटी का दीवाना हो चुका हूँ और इसीलिए आज रात तुम अपने घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ, मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा और तुम्हारी बेटी के साथ रात गुजारूँगा, यानी तुम्हारी बेटी के साथ गुनाह करूँगा। और साथ में ये भी लिखा हुआ था कि अगर तुम छोड़कर नहीं गए तो ऐसे वक्त में तुम्हारे खानदान वालों को कत्ल कर दूंगा। प्यारे दोस्तों, बाप ने जब ऐसी बातें सुनी तो उसके आंखों में आंसू आ गए। अब वो ये सोचने लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि ऐसे वक्त में उसके दिल में ये बात आई कि हमारे गांव में एक सरदार है, यह हमेशा से हम लोगों की मदद करते रहा है, क्यों ना इस बार जाकर उससे मदद मांगी जाए। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि वो फौरन ही, यानी उस लड़की का जो बाप था वो गांव के सरदार के पास जाकर अपनी बात रखी। तो ऐसे वक्त में जो गांव का सरदार था वो ये बात कहने लगा कि इस मामले में मैं तुम्हारी ज़रा भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो डाकू बड़ा ही ख़तरनाक है। ऐसे वक्त में मैं अगर तुम्हारी मदद करूंगा तो वो मेरे भी खानदान वालों का कत्ल कर देगा और मेरी भी एक नौजवान बेटी है, अगर उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ गई तो यकीनन उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं हरगिज़ तुम्हारी इस मामले में मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब वो लड़की घर पहुंची तो बाप ने सारा वाकिया बताया कि आज तुम्हें दरिया में नहाते हुए डाकू ने देख लिया था और वो अब तुम्हारे साथ रात गुजारना चाहता है, और उसने ये बात भी कही कि अगर हम ये घर छोड़कर आज रात के लिए नहीं गए
तो ऐसे वक्त में वो हमारे तमाम खानदान वालों का कत्ल कर देगा। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद वो जो लड़की थी ये बात कहने लगी कि अब्बा जान, कि आप जान लें कि मैंने हमेशा ये बात कही है कि आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अल्लाह मेरी हिफाजत करने वाला है। अब तक उसने मुझे बचा कर रखा तो आगे भी मुझे बचा कर रखेगा। आप बेफिक्र होकर घर छोड़कर आज रात के लिए चले जाइए, यकीनन जो होगा बेहतर ही होगा। अल्लाह जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। दोस्तों, बाप ने जब अपनी बेटी की ये बातें सुनी तो ऐसे वक्त में वो अपनी बेटी को अल्लाह के भरोसे छोड़कर वो घर से बाहर निकल आया। आपको बता दूं कि जब रात का वक्त आया तो ऐसे वक्त में डाकू लड़की के घर पहुंचा, और पहुंचने के बाद जब वो लड़की के करीब पहुंचने लगा तो ऐसे वक्त में बराबर वाले घर में एक लड़की कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी और उसकी आवाज आने लगी जिसका तर्जुमा ये था कि है कोई मुझसे माफी मांगने वाला, मैं बड़ा करीम हूँ, मैं बड़ा रहीम हूँ, मैं हूँ बड़ा माफ करने वाला। दोस्तों, कुरान की इन आयतों को सुनने के बाद डाकू जो था वो कांपने लगा, वो बहुत ही ज्यादा परेशानी के आलम में आ गया और उस वक्त लड़की से ये बात कही कि हरगिज मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं कर सकता। लड़की ये बात कहने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि तुम तो आज यहाँ गुनाह करने के लिए आए थे लेकिन तुम किस वजह से रुक गए। दोस्तों, ये बात सुनने के बाद डाकू ये बात कहने लगा कि मुझे अल्लाह का खौफ सता रहा है, यानी मैं इतना बड़ा गुनाहगार हूँ, आखिरत में मेरा क्या होगा, अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। मैंने अब तक जितने भी गुनाह किए हैं मैं सबसे तौबा करता हूँ और आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी का हक नहीं मारूँगा, किसी लड़की के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालूँगा। दोस्तों, ये बात कहता हुआ फौरन ही वो घर से बाहर निकल आया। डाकुओं के साथी ने जब ऐसी हालत में देखा तो वह हैरान हुए और ये बात कहने लगे कि आपको किस चीज़ का खौफ सता रहा है, आपसे दुनिया डरती है और आप किससे डर रहे हैं। उस वक्त डाकू कहने लगा कि मुझे किसी का खौफ नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व ताला के, जो बादशाहों का बादशाह है। मैंने आज सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि मुझे मालूम हो चुका है कि अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है, बड़े से बड़े गुनाहों को माफ कर देता है, इसलिए मैंने सच्ची तौबा कर ली है और आज के बाद मैं कभी किसी लड़की की तरफ गंदी नज़र नहीं डालूंगा और आज के बाद कभी किसी गरीब का हक नहीं मारूंगा। दोस्तों, इतना सोचने के बाद उसके दिल में यह ख्याल आने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे क्यों माफ करेगा, मैंने तो गरीबों का हक लूटा है, तो तमाम जितने लोगों का मैंने हक लूटा है उन सब का सामान वापस कर देना चाहिए। और ये बात सोचते ही सबसे पहले उसके दिल में एक यहूदी तिजारती का ख्याल आया और सबसे पहले उस यहूदी तिजारती के पास पहुंचा। जब यहूदी तिजारती ने डाकू को देखा तो ये बात कहने लगा कि अब यहाँ पर क्यों आए हो, सब कुछ तो तुम लूट कर लेके गए हो, अब क्या मुझे भी लूट ले जाओगे। तो उस वक्त डाकू कहने लगा कि हरगिज नहीं, अब मैं तुम्हें लूटने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जो मैंने तुम्हारा सामान लूट कर ले गया था वो तमाम सामान वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, वो सबको माफ़ करने वाला है। मैंने जो गुनाह किए हैं मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, इसलिए तमाम सामान लौटाने के लिए आया हूँ। दोस्तों, ये जो यहूदी था वो फौरन ही ये बात कहने लगा कि मैं तुम्हें तभी माफ़ करूँगा कि जिस वक्त तुम मेरा सामान लूट कर ले जा रहे थे। तो उस वक्त डाकू कहने लगा कि हाँ, मुझे बताओ कि वो कौन सी बात है जिससे तुम मुझे माफ़ कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद उस यहूदी ने ये बात कही कि सामने जो टोकरी रखी हुई है उसके अंदर सोने की अशरफियाँ रखी हुई है, वो अशरफियाँ लेकर आ जाओ। तो दोस्तों,
आपको बता दूं, वो जो डाकू था वो फौरन ही टोकरी के पास गया और उस टोकरी से जाकर वो सोने की अशरफियां जो था उसको लेकर आ गया। दोस्तों, जैसे ही उस यहूदी ने सोने की अशरफियों को देखा तो ये बात कहने लगा कि मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद डाकू जो था वो बड़ा ही हैरान हुआ कि भला ऐसे क्या बात हो गई कि तुम तो यहूदी हो तो तुम क्यों मुसलमान होना चाहते हो, ऐसी क्या बात हो गई, मुझे बताओ। दोस्तों, तो ऐसे वक्त में यहूदी कहने लगा कि दरअसल आखिरी नबी यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर किसी शख्स से अल्लाह तबारक व ताला राजी हो जाए और वह उस वक्त सच्ची तौबा कर लेता है तो अगर वो शख्स मिट्टी को भी छू ले तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। दरअसल जिस टोकरी के नीचे से तुम्हें सोने की अशरफी लाने के लिए कहा था उस टोकरी के अंदर एक भी अशरफियां नहीं थी, दरअसल उसके नीचे तो सांप रखा हुआ था। मैं ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो चुकी है तो वो जो सांप है वो सोने की अशरफियों में तब्दील हो जाएगा, और अगर तुम्हारी तौबा कबूल नहीं हुई है तो ऐसे वक्त में वो सांप तुम्हें डस लेगा। लेकिन प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बिल्कुल सही साबित हुई, यानी कि तुम यकीन के साथ उस टोकरी को उठाने के लिए गए थे कि उसके अंदर अशरफी है और अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया था और अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से तुम्हें वो सांप नुकसान पहुंचाए, तो उस वक्त वो सांप सोने की अशरफियों में तब्दील हो गया। असल में उस टोकरी के नीचे तो कोई भी अशरफियां नहीं रखी हुई थी। इस चीज से अंदाजा हो गया कि अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है, तुम्हारे तौबा को कबूल कर लिया है और इसलिए मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से एक यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी तौबा को ज़रूर कबूल करता है और इसी तरीके से उसे माफ़ कर देता है।